एक बच्चों ने डाउट पूछा अभी कि NH4NO3 में बता दीजिए सर, यही तो मैं इतनी देर से पूछ रहा हूँ कि किसको क्या डाउट है। NH4NO3 का नाम किसी को पता है? NH4NO3 का नाम क्या होता है? सर अमोनियम नाइट्रेट अमोनियम होता नाइट्रेट, बिल्कुल सही। इस कंपाउंड का नाम होता है अमोनियम नाइट्रेट। इसको ये आयनिक कंपाउंड है और इसको इस तरह ब्रेक कर सकते हो NH4+ एंड NO3-। इस तरह आप ब्रेक कर सकते हो NH4+ एंड NO3-। फिर आप NH4+ और NO3- में अलग अलग निकाल सकते हो। बताइए NH4+ में अब N की कैसे निकालेंगे? X H की क्या लोगे? फोर इंटू वन हाँ, 4:1। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है तो एच की 1 लेंगे। इक्वल टू क्या करूं? +1, तो एक्स वैल्यू क्या आ जाएगी? -3। -3। तो NH4NO3 में एक एन की तो -3 है, ठीक है। NH4NO3 में एक एन की तो -3 है, और दूसरे एन की कैसे निकालेंगे? -2। -2 = -1, x = +5। ये दूसरे एन की आ जाएगी +5, ठीक है ना। और किसी बच्चे को कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में? ये देखो, अच्छा मैं तुमसे पूछूं, बताओ NaCl में Na और Cl की बताओ तो कैसे सॉल्व करोगे? ये तो आयनिक कंपाउंड है ना NaCl, ये टूटता है Na+ एंड Cl- में, तो Na की क्या हो जाएगी? +1, और Cl की क्या हो जाएगी? -1। तो इस तरह कंपाउंड को ऐसे ब्रेक कर सकते हो। जैसे एक बात मैं आपसे और पूछता हूँ, Fe3O4, अगर किसी बच्चे को ना पता हो तो Fe3O4 में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट Fe की बतानी है। ये क्वेश्चन कंपटीशन में भी आ चुका है, तो पहले मुझे Fe की ऑक्सीजन स्टेट निकाल के बताओ आप लोग, क्या है ये Fe की ऑक्सीजन स्टेट? जल्दी से बताओ कोई। फोर Fe की, सिर्फ Fe की पूछा मैंने, 8/3, 8/3, 8/3, 8/4, बिल्कुल सही। Fe, 8/3, हाँ, Fe की 8/3। x मान, यहाँ पर Fe की x मानी तो 3x+4 × -2 = 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी +8/3। x की वैल्यू आ जाएगी +8/3, ठीक है। और ध्यान सुनो कभी कभी ये अगर आपको ये बात पता नहीं होगी बच्चों, पता है Fe3O4 जो होता है ना, Fe3O4 दो ऑक्साइड से मिलके बना है। अगर किसी को ध्यान आए तो बताना जरा, Fe FeO, two O three and FeO। बिल्कुल सही, Fe2O3 एंड FeO, ठीक है। FeO और Fe2O3 से मिलके बना है। तो इसमें पूछ रहता है कभी कभी कि दोनों Fe इसके इस देखो, जब इसके अंदर दो ऑक्साइड हैं तो इस कंपाउंड को बोलते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? मिक्स्ड ऑक्साइड। क्या ये नेम क्लियर है मिक्स्ड ऑक्साइड का? यस सर, हाँ, मिक्स्ड यस। ऑक्साइड मतलब कि दो डिफरेंट ऑक्साइड या दो या तीन डिफरेंट ऑक्साइड है इसके अंदर। तो इसमें अगर दोनों, देखो ये तो हमने जो निकाला ना +8/3, ये तो एवरेज है, लेकिन अगर हमको दोनों के अलग अलग निकालना है तो कैसे, क्या करेंगे? कैसे क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे और दोनों Fe के अलग अलग निकालेंगे। तो बताओ यहां पे Fe की क्या आ जाएगी? x-2 = 0। +2, हाँ, और यहां पे क्या आ जाएगा? 2x-6 = 0, x = +3, +3। यहाँ पर x = +2।
ये इस तरह आंसर आएंगे। ठीक है, तो इस कंपाउंड बच्चों ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ध्यान रखना कि अभी जो मैंने बताया है Fe2O3 में अगर मैं Fe की निकालूं तो +8/3 आएगा, और दोनों Fe की अलग अलग निकालूं तो +2/+3 आएगा। कोई भी क्वेश्चन ये हो सकता है, कोई भी। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, क्या सभी बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर है एकदम? यस या नो का जवाब दो जल्दी से। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। तो एफई, सॉरी, ये Fe3O4 लिया था ना मैंने, जो कि एक मिक्स्ड ऑक्साइड है। और किसी मिक्स ऑक्साइड का नाम जानते हो क्या आप लोग? और भी किसी मिक्स्ड ऑक्साइड का नाम बताओ। कोई सुनाओ पहले से। सर एक बार रिपीट कर दो। और किसी मिक्स्ड ऑक्साइड का नाम सुना है आपने? जैसे इसी तरह कोई और ऑक्साइड होता हो जिसमें कि मर्ज करके yes, लिखा हो। हाँ बताओ। PbO2। PbO2 नहीं, Pb3O4। अच्छा, 10th में आपने इसका नाम जरूर पढ़ा होगा। बताओ Pb3O4 को क्या बोलते हैं हम लोग? कोई भी प्लीज, आपने पक्का सर लेड सुना है ऑक्साइड। क्या? लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड तो PbO भी है, PbO2 भी है, ऑक्साइड तो सारे हैं। इसका एक कॉमन नाम था, कॉमन नेम था, शायद आपने 10th में पढ़ा हो। वो कॉमन नेम चाहिए मेरे को। बताओ। रेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड तो है ये, इसको एक नाम से अगर देखो, रेड लेड। क्या ये नाम सुना आप लोगों ने? रेड ऑक्साइड। रेड ऑक्साइड। ये रेड लेड होता है, इसे इसको, हाँ, इसको हिंदी में सिंदूर बोलते हैं, सिंदूर रेड कलर का। और ये एक मिक्स्ड ऑक्साइड है जो कि दो कंपाउंड्स मिलके बना है, PbO+PbO2। इससे मिलके बना है PbO+PbO2। समझे? ये मिक्स्ड ऑक्साइड है। तो अगर मैं तुमसे इसमें पीबी की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछूं तो क्या निकालोगे पीबी की? प्लस। सिर्फ पी, मतलब कि अगर मैं ये ना पता होता तो क्या आंसर निकालते? 3x(-2)=0, x=8/3। ये आंसर निकालते ना? यस सर। बताओ अदर स्टूडेंट, यही निकालते ना आंसर? यस सर। ओके, और अब अगर इनके मिक्स ऑक्साइड पता है किसी को तो बताओ इसमें क्या आंसर आएगा फिर? पीबीओ में पीबी की क्या आंसर आएगा? +2। और इसमें क्या आएगा? +4। प्लीज, ये सारे आंसर सही है, ये मत समझ ले कि ये गलत है, ये एवरेज है। और ये दोनों की, दोनों लेड की अलग अलग है। इसमें पीबीओ के दो मॉलिक्यूल होते हैं और PbO2 का एक मॉलिक्यूल होता है। इसे भी बोलते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? मिक्स्ड ऑक्साइड। धीरे धीरे आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो सब चीजें समझ में आ जाएंगी आप लोगों को। ठीक है,
यस सर। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं हम। अभी एक बच्चे ने और एक डाउट पूछा है मुझसे, अभी मैं देखता हूँ उसका मैसेज आया है। अभी किसी बच्चे का मैसेज आया था कुछ क्वेश्चन पूछने का, कहाँ चला गया? हाँ NH4 का होल ट्वाइस, Cl NO3 का होल सिक्स, ये क्वेश्चन है। Cl है शायद से, और इसमें ऑक्सीजन स्टेट Cl की पूछा है। आई थिंक सो। किसने पूछा है क्वेश्चन, नाम बताना जरा। किसने पूछा है क्वेश्चन? अरे मुझे अभी किसी ने ये क्वेश्चन पूछा है, क्या नाम है उसका जिसने पूछा है क्वेश्चन? सर ये सीएल है। सीएल है। हाँ यस, जिस बच्चे ने पूछा है मैं उसका नाम पूछ रहा हूँ कि किस बच्चे ने इस क्वेश्चन को पूछा है। बता पाएगा कोई इसका नाम, सॉरी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सीएल की क्या आएगी? है +4 +4। +4 +4 NH4 की क्या स्टेट लोगे? +1 +1। देखो अब NH4, इसे अमोनिया, ये किसका फॉर्मूला होता है? अमोनियम अमोनिया। अमोनिया हाँ अमोनियम अमोनिया पे चार्ज दिखाई दे रहा है कुछ भी आप लोगों को? नहीं, तो उस अमोनिया के पूरी पूरी जीरो ले लोगे। और ये कंपाउंड का नाम क्या होता है, NH4+ का नाम, इसे क्या बोलते हैं? ये है अमोनिया, ये है अमोनिया, और इसे बोलते हैं अमोनियम। क्या बोलते हैं इसको? अमोनियम। अमोनियम जैसे कि इसका नाम बताओ क्या बोलते हो, NH4Cl का नाम क्या बताते हो बताओ? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम ये क्लोराइड। अमोनियम होता है ना, तो अमोनिया की पूरे की स्टेट जीरो है, लेकिन अमोनियम की स्टेट क्या है? +1। +1 हाँ तो देखो 2 × +1, और सीएल की क्या लोगे? जीरो। सीएल की स्टेट, सीएल की तो निकालनी है ना, तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना होता है उसे क्या मानते हैं? एक्स एक्स। तो सीएल की एक्स ले ली। और NO3 की क्या लोगे ये बताओ मेरे को? -1 -1। वेरी गुड, क्योंकि NO3 एग्जिस्ट करता है एज ए नाइट्रेट आयन, इसे बोलते हैं नाइट्रेट आयन। प्लीज ये मत भूल जाना, नाइट्रेट आयन। अच्छा किसी बच्चे को इसका नाम पता है NO2 के माइनस का नाम क्या होता है? नाइट्राइड। नाइट्राइट आयन, नाइट्राइट आयन। ठीक है, नाइट्राइट आयन, नाइट्राइट आयन और नाइट्रेट आयन दोनों की ऑक्सीजन स्टेट क्या है बताओ? -1 नाइट्राइट और नाइट्रेट, हाँ दोनों की स्टेट है -1। बच्चों ऐसे याद रखना चाहिए इससे कि इसका नाम क्या होता है, बताओ जरा मुझे इसका नाम क्या होता है? सल्फेट। सल्फेट। इस पे क्या चार्ज की वैल्यू लोगे? -2। -2। और इसका नाम क्या होता है, SO3 2- का नाम क्या होता है? ग्रेफाइट।
सल्फाइड। ये सब बातें अगर नहीं पता होंगी तो इस चैप्टर में आप वीक रह जाओगे। सल्फेट आयन दैट इज सल्फाइड आयन, ठीक है। तो इसका माइनस टू और इसका भी क्या लेना है, माइनस टू। तो इनके पूरे के ऑक्सीजन स्टेट आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, बिल्कुल डायरेक्ट, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पे, इस कंपाउंड में टू इंटू प्लस वन प्लस क्लोरीन की x, 6 इंटू माइनस वन इक्वल टू जीरो। बताओ x की क्या वैल्यू आ गई, प्लस फोर। x इक्वल टू प्लस फोर, ये हो गया आंसर। और किसी के डाउट हो, मैं तो जो बच्चे आज डाउट पूछ रहे हैं वही बता रहा हूँ। किसी का और कोई डाउट हो तो प्लीज़ बताएं। किसी क्वेश्चन में कोई ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली हो आप लोगों ने और आपको उसका आंसर ना आ रहा हो तो प्लीज़ बताएं। सर हाँ बताओ बेटा। सर आपने वो PbCO4 बताया था। हाँ बताया था। वो PbO2 से मिल करवाना है, तो उन PbO और PbO2 में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है? PbO और PbO2 में ज़्यादा स्टेबल कौन सा? मैं आंसर तो बताता हूँ बेटा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन के आंसर अभी आपको मतलब ये क्वेश्चन आपके माइंड में आया क्यों ऐसे, मैं जानना चाहता हूँ। क्योंकि ये टॉपिक जो जिस कंसेप्ट से इसका आंसर आता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बट आपके मन में कैसे क्वेश्चन आया ये? ऐसे ही आ गया सर। हाँ, PbO इज मोर स्टेबल देन PbO2। यहाँ पे प्लस टू प्लस फोर है, तो इसकी जो Pb की प्लस टू स्टेट होती है वो इसके प्लस फोर से काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होती है। और कंसेप्ट होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये बच्चों बहुत लास्ट में आएगा आपके 11th के लास्ट पार्ट में, बट आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया इसलिए मुझे बड़ी खुशी है। और बट क्यों आया ये मुझे नहीं पता, ठीक है बेटा। अभी हम ये नहीं सीख पाएंगे कि किसमें कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है, थोड़ा बहुत सीख सकते हैं। देव क्लियर है? यस सर। हाँ, और किसी बच्चे के अंदर कोई भी डाउट हो, किसी ने सॉल्व किया हो NCERT से या कोई भी रेफरेंस बुक से, तो प्लीज बताएं। सर हाँ बोलो। सर आपने एक बार NH4 वाली अभी एक सेकंड पहले जो बताई थी वो एक बार दोबारा बता दो। NH4 ClNO3 का होल ट्वाइस होल सिक्स वाले बेटा? यस सर, यही वाली। ओके बताता हूँ, NH4 का होल ट्वाइस, ClNO3 का होल सिक्स, ठीक है। इसमें Cl की ऑक्सीजन स्टेट निकालनी थी, तो यहाँ पर NH4 की प्लस वन लेते हैं क्योंकि अमोनियम आयन इस तरह होता है और Cl की X और NO3 माइनस ये होता है, तो NO3 के माइनस वन NH4 के प्लस वन लेते हैं। तो यहाँ पे 6 NO3 हैं, तो 6 इंटू माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस फोर। बताइए अभी समझ में आया क्या? यस सर, थैंक यू। वैभव आपको तो समझ में नहीं आ रहा होगा, वैभव आ रहा बेटा? आपने पहली बार ज्वाइन की? यस सर। ओके यस सर। और किसी बच्चे को ज्यादा डाउट आए तो प्लीज बताएं। चलो ठीक है, थोड़ा सा आगे बता देता हूँ जिससे कि ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। किसी बच्चे ने अभी कहा था कि सर दूसरा मेथड जो है वो हमें जानना है, तो मैं दूसरा मेथड बता देता हूँ कि कौन सा मेथड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के अलावा, थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। आपको बैलेंसिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से ही करनी है। दूसरे मेथड का नाम किसी को पता है? दूसरे मेथड का क्या बताया था मैंने? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ये मेथड है
इससे भी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है मेथड ये, जैसे मान लो सेम इक्वेशन को मैं इससे बैलेंस करता हूँ। इक्वेशन है MnO4 माइनस Fe2 प्लस H प्लस चेंज इनटू Mn2 प्लस एंड Fe3 प्लस NH2O। ठीक है ना, इस रिएक्शन को हम पहले बैलेंस कर चुके हैं बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, आज बैलेंस करना है बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। बताओ इसमें एच प्लस लिखा हुआ है, मतलब कौन से मीडियम में बैलेंस करना है इसको? एसिडिक। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो देखो ध्यान से, इसमें क्या करते हैं, जो रिड्यूस हो रहा है और जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उन दोनों को अलग अलग बैलेंस करते हैं सेपरेटली। मैंने क्या बोला है बताओ, अभी मैंने क्या सेंटेंस बोला है, कोई रिपीट करेगा? मैंने अभी क्या सेंटेंस बोला है? रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को सेपरेटली बैलेंस करते हैं। एक ये इक्वेशन बनेगी, देखो इसमें क्या करेंगे, किसी को भी पहले बैलेंस कर लो, चाहे रिड्यूसिंग रिडक्शन इक्वेशन को या ऑक्सीडेशन इक्वेशन को। तो मैंने MnO4 माइनस से Mn2 प्लस को इसको बैलेंस कर रहे हैं, MnO4 माइनस से Mn2 प्लस। ठीक है, या फिर पहले Fe2 प्लस से Fe3 प्लस बैलेंस कर लो, आपके ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा बैलेंस करो। बताओ लेफ्ट में कितने, इसको मैंने ए मान लिया, बताओ लेफ्ट में कितने Mn है, जल्दी बताओ फटाफट, लेफ्ट में कितने Mn है? वन। और राइट में? वन। ऑलरेडी बैलेंस है, मैग्नीज बैलेंस है। Mn का नाम क्या होता है, किसी बच्चों को पता है Mn का नाम क्या होता है? मैग्नीज। मैग्नीज, तो मैग्नीज बैलेंस है। अब आते हैं ऑक्सीजन में, लेफ्ट में कितने ऑक्सीजन है? फोर। राइट में? जीरो। वन। राइट में ऑक्सीजन जीरो है, लेफ्ट में फोर है। एसिड मीडियम में ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करते हैं, बाय एडिंग H2O। जिस साइड जितनी H2O कम हो उतनी वाटर ऐड कर दो। बताओ अपोजिट साइड कितने वाटर ऐड करेंगे? फोर। बिल्कुल सही, तो अपोजिट साइड में 4H2O ऐड कर दिया। ठीक है, यस सर। अब कौन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, आप किसको बैलेंस करें? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कितना डिफरेंस है? 8। तो क्या करूं बताओ जल्दी से सर, लेफ्ट हैंड साइड में 8H+ ऐड कर दूं, सही है? अब जरा चेक करो, मैंगनीज ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्या तीनों बैलेंस है, चेक करो जल्दी से। यस सर। सभी बच्चे बताएंगे, देखो आंसर, क्या तीनों बैलेंस है? यस सर। ओके, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज करनी पड़ती है, वो है चार्ज बैलेंस करना। देखो अभी चार्ज बैलेंस नहीं है। देखो जरा चार्ज पे आते हैं, काम करते हैं चार्ज। बताओ MnO4 माइनस में, MnO4 माइनस में टोटल कितना चार्ज है? माइनस वन है। माइनस वन। और एक हाइड्रोजन में कितना चार्ज होता है? प्लस वन। तो आठ हाइड्रोजन पे कितना हो गया? प्लस एट। तो टोटल चार्ज कितना हुआ, टोटल चार्ज कितना हुआ? सेवन। प्लस सेवन, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस सेवन चार्ज है। राइट हैंड साइड में देखो Mn पे क्या चार्ज है? प्लस टू। और वाटर पे? जीरो। तो क्या चार्ज बैलेंस है क्या? देखो चार्ज बैलेंस है क्या? नो सर। नो, यहाँ देखो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में चार्ज अपने आप बैलेंस होता था, क्या ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में हम लोगों ने चार्ज बैलेंस किया था क्या? यस या नो? यस सर।
नो सर। बिल्कुल सही। सो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में हम लोग चार्ज को बैलेंस नहीं करते थे, यहां पर चार्ज को बैलेंस करेंगे। तो चार्ज जो होता है बच्चों, यहां पर प्लस सेवन चार्ज है और यहां पर प्लस टू चार्ज है, तो चार्ज इज बैलेंस्ड बैलेंस्ड बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। क्या मैंने बोला, चार्ज कैसे बैलेंस करते हैं, बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। चार्ज इज बैलेंस्ड बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। क्या विपुल समझ में आ रहा है आपको? विपुल, वैभव, विशेष, तन्वी, सौरभ, शारिका। ओके, चार्ज इज बैलेंस्ड बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। अब बताओ जिस चार्ज को इलेक्ट्रॉन्स ऐड करके बैलेंस करना है, जिस साइड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे उधर नेगेटिव चार्ज ऐड होगा या पॉजिटिव चार्ज ऐड होगा? नेगेटिव। बिल्कुल सही। तो बताओ कैसे बैलेंस करें, इधर प्लस सेवन चार्ज है, इधर प्लस टू चार्ज है, क्या करें? कोई कोई हेल्प करेगा? लेफ्ट साइड फाइव इलेक्ट्रॉन। हाँ जी, क्या करना है देखो। इस साइड आप फाइव इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए, नई इक्वेशन में जोड़ सकते हो, मैं तो इसी में लिख दे रहा हूँ फाइव इलेक्ट्रॉन। अब जरा फिर से चेक करो कि क्या सब कुछ बैलेंस है क्या, माइनस वन, प्लस एट और माइनस फाइव। माइनस वन चार्ज हाइड्रोजन पे प्लस एट और पांच इलेक्ट्रॉन पे माइनस फाइव होगा ना, कि प्लस फाइव, माइनस फाइव, माइनस फाइव। बताओ कितना चार्ज आ गया टोटल, माइनस टू या प्लस टू? प्लस टू, प्लस टू। और राइट हैंड साइड में कितना है? प्लस टू, प्लस टू। तो चार्ज भी देखो बैलेंस हो गया। अच्छा बताओ जी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? सर रिडक्शन, रिडक्शन। ये हमने इक्वेशन जो बैलेंस की है वो है रिडक्शन। देखो यहाँ पे बिना ऑक्सीडेशन के पता चल गया कि रिडक्शन कौन है, ऑक्सीडेशन कौन है। इतना करना पड़ेगा। बी पार्ट हम बैलेंस करेंगे Fe2 प्लस से Fe3 प्लस, ठीक है, इसको बैलेंस करेंगे। बताओ लेफ्ट में कितने Fe हैं? वन। और राइट में? वन। Fe बैलेंस है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं है, तो डायरेक्टली किसको बैलेंस करेंगे? इलेक्ट्रॉन। चार्ज, चार्ज को। लेफ्ट में कितना चार्ज है? प्लस टू। और राइट में? प्लस थ्री। प्लस थ्री। क्या करूं? राइट में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं। देखो माइनस वन आ गया, माइनस वन प्लस थ्री कितना होता है? प्लस टू। प्लस टू, प्लस टू। चार्ज बैलेंस हो गया। अब देखो हमने दोनों रिडक्शन और ऑक्सीडेशन इक्वेशन को अलग अलग हाफ करके बैलेंस किया है, अब इनको वापस से जोड़ना पड़ेगा। जोड़ते वक्त हमको इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना पड़ता है, क्योंकि हमारी फाइनल जो इक्वेशन थी उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं थे। तो इस इक्वेशन में पांच इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करूँ? याद करो जब 2x और 3x होता है और इन दोनों को कैंसिल करना होता है, तो क्या करते हैं आप, इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 से। इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। वैसे यहाँ पे क्या करोगे, इसमें पांच इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, क्या करोगे? फाइव। इस इक्वेशन को फाइव से मल्टीप्लाई कर दो, फाइव फाइव फाइव, और फिर इसको क्या कर दो, ऐड कर दो। क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि हमको इस तरीके से ना, तो जब ऐड करेंगे तो क्या इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड होगा और ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन राइट साइड होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके बाद ऐड करके लिखो जरा, तो क्या इक्वेशन आ गई, MnO4 माइनस फाइव Fe2 प्लस
चेंज इनटू Mn2 प्लस 5Fe3 प्लस प्लस 4H2O ये आ गया। बताओ जरा बैलेंस है कि नहीं, बैलेंस है, बैलेंस हो गया देख लो। अच्छा 8H+ इधर H+ भी तो थे, प्लस 8H+ प्लस 8H+ बैलेंस है ना, देखो। यस सर। अब मुझे बताओ कौन से ज्यादा डिफिकल्ट है, कौन से ज्यादा डिफिकल्ट है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड या आयन रिटर्न मेथड? अरे तो अभी तो एक ही क्वेश्चन किया है ना, अभी तो दो चार क्वेश्चन और करेंगे तो ये भी सिंपल लगेगा। दोबारा समझना है इसको, बताओ किसी कितने बच्चों को समझ में आया, किसको नहीं आया, जल्दी से मुझे बताओ। सर दोबारा समझा दो। दोबारा इसी क्वेश्चन को समझाऊं कि फिर मैं नई क्वेश्चन लूं? नहीं ले लो सर। सर हाँ बोलो। सर आपने MN के साथ ही वाटर क्यों लिया? MN के साथ H2O क्यों लिया, Fe के साथ क्यों नहीं लिया? H2O मैंने किसी के साथ लिया था क्या? क्यों बच्चों H2O मैंने किसी के साथ लिया था क्या? वो तो बाद में बैलेंस करके आया है ना। हाँ सर वो तो बाद में बैलेंस करके आया है ना। सर जो बी वाली क्वेश्चन है वो ऑक्सीडेशन कैसे है? कौन सी बी वाली? बी ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो Fe2 प्लस Fe3 प्लस इलेक्ट्रॉन राइट साइड आ रहा है ना। और अगर तुमको नहीं पता चल रहा यहाँ कैसे तो बताओ, यहाँ से देखो प्लस 2 से प्लस 3 क्या होता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे Mn की प्लस 7 है और ये प्लस 2 जाता है, ये क्या होगा, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? रिडक्शन। तो चाहे यहाँ से देख लो या यहाँ से देख लो। चलो इस इक्वेशन को भूल जाओ, दूसरी देता हूँ बैलेंस करने के लिए, उससे देखो अभी समझ में आ जाएगा। इक्वेशन ले रहा हूँ Cr2O7 माइनस Fe2 प्लस Cr3 प्लस और Fe3 प्लस H2O। देखो ये H2O अगर मत देखो ये अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। अब इसमें पहला हाफ बैलेंस करना है, चलो पहला हाफ लेते हैं ए पार्ट Cr2O7 माइनस से Cr3 प्लस, इसको बैलेंस करते हैं ठीक है ना। देखना अभी वाटर अपने आप आ जाएगा। बताओ लेफ्ट में कितने क्रोमियम है, राइट में One. दो से मल्टीप्लाई, लेफ्ट में कितने ऑक्सीजन है, राइट में जीरो। इस रिंग मीडियम में करना है, राइट में कितने वाटर जोड़ दूं, सेवन एच टू। हाइड्रोजन का क्या डिफरेंस आ गया, 14। लेफ्ट में कितने एच जोड़ू, 14 एच प्लस। बैलेंस हो गई, नहीं समझ आया इतना ही था? अब वो फर्स्ट टाइम बताते हैं तो कई बार रिपीट करना पड़ता है। अब देखो चार्ज बचा, बताओ इसमें कितना चार्ज है, माइनस 2। और एक हाइड्रोजन पे प्लस 1 तो दो हाइड्रोजन पे, 14 हाइड्रोजन पे, 14 हाइड्रोजन पे 14 प्लस 14 कितना होगा टोटल बता जरा, प्लस 12। प्लस 12 लेफ्ट साइड में प्लस 12 चार्ज, राइट साइड में देखो एक क्रोमियम पे प्लस 3 तो दो क्रोमियम पे प्लस 6। प्लस 6 चार्ज का बैलेंस कितना है, 6 का। क्या करूं इलेक्ट्रॉन किस साइड जोड़ूं, लेफ्ट साइड। कितने इलेक्ट्रॉन, 6। लेफ्ट साइड में 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, देखो चार्ज बैलेंस है क्योंकि लेफ्ट में जब 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो माइनस 6 आ गया, तो प्लस 12 माइनस 6 कितना हो गया, प्लस 6। जिस साइड इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे उधर पॉजिटिव चार्ज कम होगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। अगर आप इस साइड इलेक्ट्रॉन जोड़ देते तो प्लस 6 और कम हो जाता, ठीक है ना। अभी अभी समझ में आएगी नहीं है, बताओ पहले बस खत्म। इसके बाद बी पार्ट देखो Fe2 प्लस Fe3 प्लस, इसमें कुछ तो बैलेंस करना ही नहीं है, प्लस 2 से प्लस 3 एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, बात खत्म हो गई। नहीं समझ आया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन है नहीं यहाँ पर, प्लस 2 है प्लस 3 एक इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो प्लस 3 माइनस 1 तो प्लस 2 बचेगा, समझे? हाँ।
अब इन दोनों को ऐड करना है तो क्या करूं बताओ, कैसे ऐड करूंगा? सिक्स से मल्टीप्लाई करो, सिक्स सिक्स सिक्स, फिर दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो सिक्स इलेक्ट्रॉन, सिक्स इलेक्ट्रॉन एक में लेफ्ट में एक में राइट में, कैंसिल हो जाएंगे और लिख दो इक्वेशन सी आर टू ओ सेवन टू माइनस प्लस सिक्स एफ ई टू प्लस प्लस फोर्टीन एच प्लस चेंज इन टू टू सी आर थ्री प्लस प्लस सिक्स एफ ई थ्री प्लस प्लस सेवन एच टू, ये हो गई बैलेंस। आया समझ में? यस या नो? यस सर। यस सर। हाँ, और